बीजेपी सांसद हैं। सुब्रत जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो सौम्य प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया, वो कह रहे हैं कि आप लोग उन्हें शूद्र मानते हैं और उनको आपत्तियां हैं, तो विरोध के स्वर तो उठेंगे ही। देखो ऐसा है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक पिता की चार संतानें हैं और इन चारों में यदि कुछ भी होते तो हम लोग इनको गले लगा लेते, लेकिन दुर्भाग्य से ये कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट हैं। जानकारी है कि पिछले दिनों को इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव जी की बैठक हुई है और 2024 में इस शर्त के साथ में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की बात हुई है और कि वो समाजवादी पार्टी हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा करेगी और उसको लेकर बाकायदा उनको 2024 का चुनाव लड़ने के लिए फंड भी दिया गया है, मोटा फंड दिया गया है। तो जिसको लेकर ये अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों एक इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय की कोई बात इनको अगर करनी होती, अगर इनको माने रामचरितमानस में कोई सामाजिक न्याय का कोई समस्या है तो इससे बड़ी समस्या तो कुरान में है। कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, काफिरों को मारना उनका धार्मिक अधिकार है। तो क्या इसका इसका विरोध करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या इसकी आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी उठाएगी? नहीं नहीं, कपीश जी तो ये कह रहे हैं ना सुब्रत जी, वो कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। नहीं, उनका निजी बयान नहीं है, ये बिल्कुल अखिलेश यादव जी के इशारे पर, इसीलिए उनको कि अगर आप ये बयान दोगे तो हम तुमको राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे। बना दिया देखो आपने, अगर मने अगर कुछ होता तो बनाते ही नहीं, क्यों विवादित आदमी को कौन बना देता है? विवादित आदमी तो निकाल के बाहर कर दिया जाता है ना। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी से कुछ लोगों ने यदि कुछ किसी धर्म विशेष को लेकर यदि कोई टिप्पणी कर दी थी तो पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया? तो ये स्पष्ट है, लेकिन इन्होंने उनको संरक्षण दिया बल्कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो बिल्कुल स्पष्ट है इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी सदैव काम करती रही है और इस बार तो और ज्यादा मोटी टुपाड़ी ली है हिंदुओं में खाई पैदा करने। लेकिन क्या ये माने कि यही 2024 के लिए चुनावी हथियार बनने जा रहा है? क्या अब राम के सहारे इस तरीके की पॉलिटिक्स होगी क्या? देखो अब तब से अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इन लोगों को शायद ज्ञान नहीं है कि अब ये वो वर्ष है जिस वर्ष में भव्य राम मंदिर के दर्शन हम लोग करने अयोध्या में जाएंगे। ये वो समय है जब जातिवाद समाप्त हो चुका है, एक दूसरे समाज में अब बच्चों की शादियां भी होने लगी हैं और सामूहिक रूप से होने लगी हैं और ये इस देश के भीतर जिस प्रकार से हिंदुओं ने संगठित होकर इस देश को बचाने का काम किया है और सारे हिंदू एकजुट होकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए हैं, योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए हैं, इससे ये इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें डरी हुई हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कल मुगल गार्डन जो कि हमारी गुलामी का प्रतीक था हिंदुस्तान में, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से ये इस प्रकार से तमाम, अभी यही नहीं है एक अखिलेश यादव नहीं, ऐसे न जाने कितने एजेंट हिंदुस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपने तैयार कर लिए। सुब्रत जी लेकिन विपक्षी पार्टियां तो ये कहती हैं ना कि राम किसी एक के थोड़ी ना है, वो तो सबके हैं और हम भी भगवान को उतना ही मानते हैं, लेकिन जब वो मंदिर जाते हैं मठ जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। नहीं नहीं, तो किसको कौन दिखाता है काले झंडे? काले झंडे तो वही लोग दिखाते हैं ना जिनको पीड़ा होती है। तो पीड़ा किसको होती है? अगर आप रामचरितमानस के ऊपर यदि सवाल खड़े करोगे तो पीड़ा नहीं होगी क्या? ये दर्द नहीं होगा क्या? आपने देखा होगा कि कुरान के ऊपर या इस्लाम के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर देता है तो गर्दन तक काट दी जाती है। तो हिंदुओं को विरोध करने का भी अधिकार नहीं है, वो मने किसी की गर्दन काट देंगे और हिंदू अपना विरोध भी नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर अब हर हिंदू को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं तो मुझे तो इसमें स्वागत है। से जुदा करने की बात तो राजू दास जी भी कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो नहीं, राजू दास भारतीय जनता पार्टी के कौन है? क्या वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के? राजू दास जी कौन है? भाजपा के कोई पदाधिकारी है क्या? अरे इससे समाज में कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई सबकी ठेकेदार थोड़े ना भारतीय जनता पार्टी है। आपको आपको नहीं लगता सुब्रत जी इस तरीके के बयान को बेवजह तूल देना समाज में गहरी खाई पैदा करने की कोशिश होती है इस तरीके के बयानों से? है, ये षड्यंत्र है, ये पूरा इस्लामिक कट्टरपंथियों का षड्यंत्र है। वो समझ गए हैं कि इस देश में जिस प्रकार से बिखरा हुआ हिंदू समाज एकजुट हुआ और एकजुट होने के बाद में जिस प्रकार से उसने अपने तमाम सारे लंबित मुद्दे, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे वो इस प्रकार से, चाहे वो काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे महाकाल में कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे केदारनाथ धाम का विस्तार हो, चाहे जितने भी इस प्रकार से देश भर में जो भी काम हो रहे हैं, वो हम लोग तो सदैव कहते हैं अयोध्या हुई हमारी मथुरा काशी की करो, अयोध्या काशी हुई हमारी मथुरा की करो तैयारी, तो मथुरा भी कहीं हाथ से ना चली जाए। तो ये इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाओ,
अब नरेंद्र मोदी को कब हटा सकते हैं? नरेंद्र मोदी को तभी हटा सकते हैं जब इस देश में हिंदुओं में खाई बना दो। अब हिंदुओं में खाई कब बनेगी? जब इस प्रकार की तमाम सारी बातें लेकर आओगे। तो इसको लेकर एक मोटी सुपारी कहने वाले ने तो यहां तक कहा है कि शायद 1000 करोड़ से भी अधिक की डील हुई है और ये अखिलेश यादव जी ने पैसा लिया है 2024 के चुनाव को लेकर, और उसमें 1000 करोड़ रुपया और प्लस उसके साथ में मुस्लिम वोट पूरा इनको मिलेगा। इस चीज को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों से डील हुई है और इसीलिए उनके एजेंट के रूप में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुब्रत जी, एक एक रिएक्शन भी ले लेती हूँ जल्दी से। कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ, क्या डील हुई है क्या? कपिल श्रीवास्तव जी देखिए देखिए, आदरणीय सुब्रत पाठक जी एक सांसद हैं और विधिक व्यक्ति हैं, विधि बनाने वाले व्यक्ति हैं, विधि तोड़ रहे बैठ के। अगर ये कह रहे हैं कि विद एविडेंसेस है तो इनको न्यायालय में भी कहने के लिए तैयार हो जाना। और मैं आप दूसरी बात कहता हूं, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है, जो जैसा करता है उसको सारी दुनिया वैसे ही दिखती है। ये सुब्रत पाठक जी ने कर दिया, ये हिंदुओं में मोदी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में पालीता लगाने का काम सुब्रत पाठक जैसे लोग करते हैं। अच्छा, आप रामचरित मानस का विरोध कराकर आप राजनीति करोगे?